की लेंथ आपको तैयार करनी है, तो डबल फोल्ड पे ले लिया है यहाँ पर। स्लीव्स की लेंथ तैयार करनी है तो सबसे पहले हमें ऊपर आधा इंच यहाँ पर छोड़ देना है। आधा इंच छोड़ने के बाद अब हमें इसकी तैयार लंबाई जो चाहिए वो हमें चाहिए कम से कम यहाँ पर 8 इंच या 9 इंच पे चाहिए। मान लो 9 इंच पे चाहिए हमें लंबाई। अब हमें इसकी लंबाई 9 इंच पे चाहिए तो फिर यहाँ से ये भी सिलाई का मार्जिन है जो इसे करके मुड़ जाएगा और ये हमारा एक्स्ट्रा है। अब हम यदि अस्तर वाला बना रहे हैं तो यहाँ आधा इंच लेंगे। यदि फोल्ड करके हमें लेना है तो यहाँ कम से कम 1 से 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा लेंगे। ये हो गया, फिर ये हो गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर सीधी लाइनें खींच दी है, ये हमारा एक्स्ट्रा, ठीक है। ओके, अब हमें चौड़ाई कितनी चाहिए, अब जितनी भी चौड़ाई कितनी चाहिए इसका 40 का 4 पार्ट करने, 4 पार्ट करने पर कितना भी आता है तो उसमें से हमें 40 का 4th पार्ट कर लिया तो यहाँ पर 10 इंच आया। तो 10 इंच को हम या तो कम्प्लीटली ऐसे ले लें या इसमें है ना माइनस 1.5 इंच किया, यहाँ पर माइनस 10 माइनस 1.5 इंच, 1.5 इंच माइनस किया तो लंबाई यहाँ पर ले ली। फिर हमें प्लस करना पड़ेगा 2 इंच। तो इस हिसाब से हमने सबसे पहले यहाँ पे इसकी चौड़ाई ले ली, ये 8.5 की, ठीक है, 8.5। अब 8.5 इसके बाद अब हम यहाँ इधर जाएंगे, इधर से हमें लेना होगा ये लॉन्ग स्लीव्स के लिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं ऊपर से, यदि ले रहे हैं तो पूरा पूरा यहाँ पे हम जा रहे हैं 3 पे। 3 से ज़्यादा भी आप यहाँ पे भी आ सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर 3 पे लिया है, 3, और यहाँ तक भी आप ले सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ तक लिया है, ये निशान है हमारा। अब यहाँ से एक इस पॉइंट से हमें एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं और यहाँ पर ये हम सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से सीधी लाइन खींचने के बाद अब हमें यहाँ से तिरछी लाइन लेनी है इस तरीके से क्रॉस में रखते हुए, जहाँ पर हमारा 8.5 आएगा 4th पार्ट माइनस 1.5 इंच करके जो था, तो वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। आप 1 इंच पीछे लेके यदि लगाते तो आपका उसी पॉइंट पे आता जहाँ पर आपने 8.5 पहले निशान लगाया था सीधा, लेकिन अब ये निशान हमारा थोड़ा सा क्रॉस में होने की वजह से थोड़ा सा कम होगा, आगे आएगा। अब यहाँ से हमें फिर 1.5 से 2 इंच प्लस करके ले लेना है और इसके बाद अब हमें यहाँ पर निशान लगा के सीधी जो निशान है इसे इस तरीके से गोलाई में मिलाने के लिए पहले यहाँ पर 2.5 या 3 पर एक निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 पर निशान लगाई हूँ और इस तरीके से देखिएगा कैसे गुलाई देनी है और इसको आप इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए निशान लगाएं। निशान को धीरे से गुलाई देते हुए आना है ऊपर की ओर। अब यहाँ पर हमें अंदर की ओर गुलाई देने के लिए इसका सेंटर लेते हुए इस गुलाई का 1/2 इंच नीचे जाकर फिर से थोड़ा सा सीधा जाते हुए इस तरीके का शेप देना है, पत्ती के जैसा शेप देना है, जैसे पतली पत्ती होती है उस टाइप का। अब हमें यहाँ पर नीचे इसको देखना है कि बाजू का हमारा गुलाई कितना है। तो यहाँ पर हमारा बाजू का गुलाई जो है वो 10 इंच है, तो उसका 1/2 5 इंच पर हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद फिर यहाँ पर हमें 1.5-2 इंच प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच प्लस किया, इसके बाद अब हम सारी लाइनों को हमें मिला देना है इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से हमें लाइनों को मिलाना है। मिलाने के बाद अब हमें इसकी आगे कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें देखिए क्या करना होगा और सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच नीचे गिरा के तिरछी लाइन खींच देनी है, इससे इसका शेप प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। और कटिंग करने के लिए अब हमें इस तरीके से यहाँ से निकाल देना है इसको, यहाँ से इसको कट करके निकाल दिया।
निकालने के बाद अब हमें फिर से इसको फोल्ड करके इस तरीके से ही कटिंग करनी है, जिससे इसका शेप नीचे से बराबर में आता है। आप यदि सीधे कटिंग कर लेते हैं तो वहाँ पर नीचे कपड़ा कम हो जाता है। और फिर इस तरीके से धीरे धीरे इसको इस तरीके से आराम से गोलाई को देते हुए कटिंग कर देनी है। और इस तरीके से फिर हमें खोलते हुए इसको आगे का भी इस तरीके से कट करना है।